सर जी थोड़ा सा सबर कीजिए, चटनी खत्म हो गई, निकालने में 5 मिनट लगेंगे, सब लोग चुप रहिए। किसी लड़की पे से ऐसे फेंके जाते क्या है यार, क्यों हॉर्न बजाए जा रहे हो? मेरा हाथ तो रुका नहीं कि मैं टेबल पे तो बैठी नहीं। Hey everyone, welcome to Spill Bee. Let's talk about this Vada Pav girl, जो Vada Pav के साथ साथ attitude भी सबको दे रही है. See, let me tell you this, that I completely empathize with people जिनके अपने अपने reasons होते हैं. And at times, उन्हें out of necessity अपने family को support करने के लिए street पे कुछ बेचना पड़ता है. And whenever I see them during fairs or certain weekly markets, I try to purchase something from them just to support them. तो आई एम नॉट अगेंस्ट दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि रूल्स ऑफ कोर्स मानने चाहिए, पर हमारे देश में अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो बेसिक चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते. तो एक दुकान रेंट पे लेना वो कैसे अफोर्ड करेंगे? तो ट्रस्ट मी, आई अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स. बट वड़ा पाव गर्ल के केस में ना मजबूरी से ज़्यादा ये जिद का केस लग रहा है कि हम तो दुकान नहीं लेंगे, रेडी पे ही लगाएंगे. अभी ये जो फैमिली है वो फुटपाथ पे वड़ा पाव बेचती है. दिस लेडी इज हस्बैंड देन मदर, एवरीवन इज इन्वॉल्वड. आपके पास किसकी परमिशन है, मुझे दिखा दीजिए. एंड टाइम अगेन अथॉरिटीज, क्योंकि आसपास जो दुकान वाले हैं जिन्होंने रेंट पे शॉप लेके अपना बिजनेस सेटअप किया है, या बिल्डिंग वाले जो है, दे आर कंप्लेनिंग कि काफी ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है, ट्रैफिक लग जाता है, लोग ग्रुप्स में खड़े रहकर एट टाइम्स दारू पीते हैं, केओस क्रिएट हो रहा है. यहाँ पे बिल्कुल भी जो इश्यूज आ रहे हैं, जैसे जाम लगना गाड़ियों में, लोग जैसे सोसाइटी वालों की कंप्लेंट्स थी, जाम लग रहा है यहाँ पे, गाड़ियों में दिक्कत आ रही है, लोग ड्रिंक व्रिंक कर रहे हैं, तो वो सब देखने के लिए टीम तहल का बिल्कुल खड़ी है आगे. पर वड़ा पाव स्ट्रीट वेंडर्स का यहाँ पे डिफेंस ये है कि इतने सारे रेडी वाले हैं, सबको हटाओ फिर ही हम जाएंगे. ऑल्सो एक क्लिप में मैंने देखा था दैट ये जो वड़ा पाव गर्ल है, शी वाज सेइंग कि वो एंड उसका जो हस्बैंड है वो जॉब पे थे, जो उन्होंने बाद में छोड़ दिया, क्योंकि दोनों हम लोग जॉब करते थे. एंड अभी उन्होंने वड़ा पाव सेलिंग स्टार्ट कर दिया है. तो दिस इन अ वे शोज कि दे आर समवॉट केपेबल टू रेंट अ शॉप. एंड इफ यू रिमेंबर, कुल्लड़ पिज्जा कपल भी जब वायरल गए थे, तब आसपास की बिल्डिंग वाले उन्हें तंग कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे उनके साथ. एंड उस सिनेरियो में लोगों ने ना कुल्लड़ पिज्जा कपल को सपोर्ट किया था, बिकॉज वो एटलीस्ट अपने शॉप से ऑपरेट कर रहे थे, एंड उनकी गलती नहीं थी दैट जो कस्टमर्स आ रहे थे वो कहीं भी अपनी गाड़ी पार्क कर रहे थे. दैट वॉज इन समथिंग दे कुड कंट्रोल. बट वड़ा पाव गर्ल के केस में एक जिद है उनकी कि शॉप में तो नहीं जाएंगे, एंड सब रेडी लगा रहे हैं तो हम भी लगाएंगे. या आर्ग्यूमेंट के हिसाब से जो भी शॉप वाले हैं वो भी सोचेंगे कि बेकार में इतना रेंट दे रहे हैं, टैक्सेस दे रहे हैं, चलो स्ट्रीट पे सब खोल देते हैं. तो इट इज नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल. एंड हर वड़ा पाव शॉप इज डूइंग वेल. तो अगर विदाउट इंटरप्शन शी वॉन्ट्स टू कंटिन्यू दिस बिजनेस, एंड रोज रोज का यही झगड़ा रोना वगैरह उसे नहीं चाहिए, देन उसे रिस्पॉन्सिबल होते हुए एक शॉप रेंट पे लेना चाहिए. और ये सवाल ना उसे फूड ब्लॉगर ने भी पूछ लिया था कि शॉप क्यों नहीं ले रहे, एंड शी नो कि इसका कोई प्रॉपर उसके पास आंसर नहीं है, इसलिए उसने इग्नोर कर दिया वो क्वेश्चन को. पे हो और इतनी ज्यादा सेल है तो आप दुकान क्यों नहीं ले लेते? तो ये जिद्दी है. एनीवेज, हर नेम इज चंद्रिका दीक्षित, एंड क्योंकि वड़ा पाव गर्ल ये नाम से वो वायरल गई है, इस वजह से वैसे वी आर एड्रेसिंग हर. कोई ऐसे डिग्रेडिंग वे में वी आर नॉट एड्रेसिंग हर. एंड ये सब के बीच में इवन हर एटीट्यूड सीम्स वेरी ऑफ, लाइक कस्टमर से बहुत इरिटेट होकर एट टाइम्स वो बात करती है. जैसे आई सॉ समवन टेलिंग हर कि पैकिंग करते वक्त चटनी भी डालना, एंड शी सेज कि चटनी में पैकिंग में नहीं देती, बट कस्टमर वॉज लाइक कि शी वॉन्ट्स इट. वो लेडी ने काफी अच्छे से चटनी के लिए पूछा था. अब ये कॉन्वर्सेशन होने के बाद जो एक्सप्रेशन उसने दिया है ना, दैट वॉज नॉट रिक्वायर्ड. लाइक फ्री में थोड़ी ना कस्टमर खाना लेके जा रहा है जो आप उसे ऐसे ट्रीट कर रहे हो. 50 रुपीज का वड़ा पाव यूर सेलिंग, कस्टमर को चटनी जैसे चाहिए वो मांगेगा. हाउ कैन यू डिसाइड कि चटनी नहीं मिलेगी पैकिंग में? अभी वड़ा पाव खाना किस है वो भी शी विल डिसाइड. एंड दिस इज द प्रॉब्लम, वो सडनली इतना इरिटेट क्यों होती है कस्टमर से? देन इनका रोड पे झगड़ा भी लोगों के साथ होता रहता है, बट जो रिएक्शंस इनके तरफ से देखने मिलते हैं दैट इज रियली एक्सट्रीम. देन एक क्लिप मैंने देखा जहाँ पे ये लेडी लड़ रही है, एंड हर हस्बैंड इज फिक्सिंग हर माइक. इट्स लाइक झगड़ा तो होता रहेगा बट प्रॉपरली आवाज आनी चाहिए. तो आई एम नॉट सेइंग कि ये सब झगड़े जो है वो स्टेज्ड है, बट हाँ कहीं ना कहीं ये कपल को समझ गया है कि अगर कॉन्ट्रोवर्सीज होगा तो वो वायरल जाएंगे इंटरनेट पे. एंड इन अ वे ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की तरह है उनके लिए. ऐसा लगता है कि जान पूछ के छोटे इश्यूज को बड़ा बना के दिखाया जा रहा है, सो दैट लोग उन्हें रिकॉर्ड करें एंड इंस्टाग्राम पे और वायरल वो चले जाए. अभी ऑब्वियसली ऐसे झगड़ों की वजह से उसका फायदा हो रहा है, शी इज गोइंग वायरल, लोग आ रहे हैं वड़ा पाव खाने के लिए. एंड चलो खुद का शॉप होता ना, वो कुछ भी करे वो अपने प्रिमाइस में करिए मार्केटिंग के लिए, बट रस्ते पे ऑल दिस इज हैपनिंग. कॉमन आदमी रोड्स प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहा, गाड़ियां नहीं जा पा रही क्योंकि बीच रस्ते में ही दे आर बिहेविंग लाइक दिस. एंड इनको देख के ना दूसरे वेंडर्स भी सिमिलर वे से बिहेव करने लगे हैं, कई भी भीड़ वाली जगह पे स्टॉल्स लगा रहे हैं एंड सेम ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं जस्ट सो दैट वो भी वायरल चले जाए. एंड दिस इज नॉट समथिंग विच कैन बी एनकरेज्ड. रीजन बींग, एक तो समझो कि जब ऐसे डीप फ्राइड फूड आइटम्स होते हैं ना, उस चीज को स्ट्रीट पे सेल करना हमेशा रिस्की रहता है, क्योंकि इतना सारा उबलता हुआ तेल है, आसपास गाड़ियां जा रही है,
प्लस आप वो गर्म तेल को ऐसे ही छोड़ के बाजू में लड़ने जा रहे हो। दिस इज ऑल वेरी रिस्की। इतनी भीड़ में धक्का मुक्की में वो किस पे गिर गया, देन एक बड़ा इंसिडेंस हो सकता है। रिसेंटली सिमिलर चीज मैंने एक एरिया में देखी थी, जहाँ पे ऑलरेडी रोड्स छोटे थे, लोगों को चलने के लिए जगह नहीं था, कॉन्स्टेंटली गाड़ियाँ जा रही थी। एंड उतने नैरो रास्ते पे एक रेडी लगाई गई थी, वो भी फुटपाथ पे नहीं था, डायरेक्टली रोड साइड पे था। एंड उस रेडी पे गरम गरम तेल था एंड जलेबी बनाई जा रही थी। ये रिस्की इसलिए है क्योंकि कंसिडर करो कि बाइक चलाते वक्त किसका बैलेंस चला गया। तो इन नॉर्मल सिनेरियो समझो वहाँ रेडी नहीं होती तो वो पर्सन गिर जाता है, थोड़ा ही शायद उसे लगता। बट ऐसे रोड पे जब उसका बैलेंस जाएगा और वो गलती से जाके उसने स्टॉल पे डैश दे दिया, तो वो गरम तेल किस पे भी गिर सकता है, आसपास चलने वाले पे या वो बाइक वाले पे। कोई भी बड़ा हादसा ये सब के चलते हो सकता है। इट इज नॉट एट ऑल सेफ, वो रोड पे चलने में ही डर लगता है। इसलिए आई फील कि वेंडर्स को भी रिस्पॉन्सिबल होकर अपना स्टॉल लगाना चाहिए। अगर लोग आपको इतना कंसिडरेशन दे रहे हैं तो आप भी उनके सेफ्टी के बारे में सोचो। ऑलरेडी जो रोड नैरो है उस पे ये सब करना अवॉइड करना चाहिए, और अगर कर रहे हो तो वो तेल छोड़ के यहाँ वहाँ मत चले जाओ लोगों से लड़ने के लिए या माइक ठीक करने के लिए। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये लोग अपने कस्टमर्स पे इतना ज्यादा कैसे भड़क सकते हैं। एक अंकल का भी मैंने क्लिप देखा था, ही वॉज गेटिंग एंग्री। स्टिल लोग इतना सब सुनने के बाद भी लाइन में खड़े हैं। अरे आप ही तो बोलते कि सवारी छोड़ दो। चुप, 12 बजे पहले कोई बात नहीं कीजिएगा। क्या है मैम? 6 नहीं होंगे मैम, 4। क्या है यार, क्यों हॉर्न बजाए जा रहे हो? मेरा हाथ तो रुका नहीं कि मैं टेबल पे तो बैठी नहीं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि औरतों से बात करने की तमीज होनी चाहिए। पेशेंस नहीं है। खुश है ना भाई? ये एक पिछले 1.5 घंटे से बंदा खड़ा हुआ है, वो छोटा सा बच्चा है, वो खुश है क्योंकि उसमें ये सब नहीं है ना कि जल्दी 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 लाइफ में जिसने करी ना वो गया। आई एम नॉट सेइंग कस्टमर्स आर ऑलवेज राइट, नहीं कुछ जानबूझ के प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। बट अगर कस्टमर सामने से अच्छे से बात कर रहा है, आपको एटीट्यूड नहीं दे रहा, तो आप ऐसे रिटर्न में चिड़ के उनसे क्यों बात कर रहे हो, ऐसे एक्सप्रेशंस क्यों दे रहे हो? व्हाई दे शुड टेक इट। एंड ऐसे जो लोग बिहेव करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, चलो वंस इन अ ब्लू मून आप स्नैप कर रहे हो, दैट इज अंडरस्टूड, माइट बी यू आर हैविंग अ बैड डे, बट हमेशा इस टोन में इंटरेक्ट करना इज नॉट ओके। पर भीड़ देख के ऐसा लग रहा है कि लोगों को ये मिस ट्रीटमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि बड़ा पाव गर्ल के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।